हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप्स जो जीआईसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जीआईसी वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखें, और ये ग्रुप की मैं छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? पहले तो ग्रुप में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये पता होना चाहिए तभी हम ग्रुप किसी कोई मतलब थ्योरम को या उसको समझ सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक मैपिंग होती है, बाइनरी ऑपरेशन एक मैपिंग होती है, और ए क्रॉस ए टेंस टू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी मैपिंग दी हुई है जिसमें रेंज और डोमेन इस तरह से दो चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, उसमें डोमेन और कोडोमेन, तो उसमें हम एक से दूसरे की मैपिंग चेक करते हैं, किस तरह की मैपिंग है, इससे ऐसे वाली, ये मैपिंग चेक करते हैं, उसमें इसको मैपिंग बोलते हैं। उसमें क्या है कि इसमें प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इस तरह से इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम ये एस्ट्रिक की बात करिए, ये बाइनरी ऑपरेशन है और इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के तौर पर लिखते हैं, प्लस करके लिखें या माइनस करके लिखें, ए इज़ द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है? देखो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप लेट्स जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, ग्रुप की बात करेंगे, लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट और ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा जीरो इज सेट टू बी द ग्रुप, द बाइनरी ऑपरेशन इज द सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्ज्यूम्स। तो ग्रुप में क्या होता है, जी एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें जी में कोई मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, कोई सेट है जिस तरह से होता है उसमें कोई कुछ ना कुछ अंदर होगा, और ओ इस ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कौन सा होता है? प्लस वाला भी हो सकता है और मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है, इस तरह से इसमें होता है। अब इसको जी कोई ग्रुप को प्लस या मल्टीप्लाई के साथ वो सेटिस्फाई करेगी, नीचे वाली जो इसमें कंडीशन दी है, तो वो ग्रुप कहलाएगा। पहली कंडीशन होगी क्लोजर एक्ज्यूम्स, जी क्लोज अंडर ऑपरेशन ओ होना चाहिए, जी क्या होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब अंडर क्लोज ऑपरेशन। उसमें क्या होगा, ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी, अगर ए और बी अगर हम प्लस को लें, ऑपरेशन प्लस लें, तो ए प्लस बी भी जी के अंदर होना चाहिए और ए बी अलग अलग भी जी के अंदर होना चाहिए, तो वो क्लोजर एग्ज्यूम्स कहलाएगा। ऐसी बात करेंगे एसोसिएटिव एग्ज्यूम्स की। एसोसिएटिव एग्ज्यूम्स कौन से होते हैं? ए ऑपरेशन बी, ए और बी के साथ हमने जो ऑपरेशन लगाया है उसका ऑपरेशन फिर सी के साथ लगाएं, ये बराबर होना चाहिए। बी और सी का ऑपरेशन लगाया है उसका ऑपरेशन फिर ए के साथ लगा लें, ठीक है, और ए बी सी जो हैं वो किसी भी सेट या जो ग्रुप हमने लिया है जी उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। तीसरी बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है, एट एवरी ए बिलोंग टू जी, यानी ए जो है वो जी ग्रुप के अंदर हो और ई जो है वो भी जी ग्रुप के अंदर हो और ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए और ई के ऑपरेशन लगाएं वो ई और ए के ऑपरेशन के इक्वल हो और ए जो है वो जी के अंदर हो, ठीक है, तो ये हो जाता है इसकी। अभी और कंडीशन बची हैं, इस कंडीशन को देखते हैं। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन होती है इसमें इन्वर्स। इनवर्स देखो कैसा होता है, ईच एलिमेंट ऑफ जी, जी जो ग्रुप है उसके प्रत्येक एलिमेंट जो है उसको इनवर्स भी उसमें होना चाहिए। ए बिलोंग टू जी होगा और एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी हो, तो ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ई, ए बराबर ई हो जाएगा, मतलब किसी भी अगर ए बी का इनवर्स है और ए बी के साथ कोई ऑपरेशन लगाएं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी में एलिमेंट क्या होता है, जीरो, और मल्टीप्लाई के लिए वन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप, ग्रुप तो हो गया, इसके बाद इसके छोटी छोटी दो तीन चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। नंबर एक होता है ग्रुप वाइड, क्या बात होती है ग्रुप वाइड के लिए, देखो कैसे करते हैं। ग्रुप वाइड के लिए कुछ नहीं है, सिंपल, जैसे ग्रुप होते हैं ऐसे ग्रुप वाइड होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ओ सेटिस्फाई ऑनली द क्लोजर एग्ज्यूम्स, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस जिससे सिर्फ क्लोजर एग्ज्यूम्स ही सेटिस्फाई हों वो ग्रुप वाइड कहलाते हैं। जैसे ए, अब क्लोजर एग्ज्यूम्स में पढ़ा चुका हूँ आपको, आगे देखते हैं। दूसरा आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या करते हैं, देखो बाइनरी ऑपरेशन ओ इज सेटिस्फाई किनको करेगा, दो कंडीशन को करेगा, एक तो क्लोजर कंडीशन और एक एसोसिएटिव एग्ज्यूम्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को पीछे से पढ़ लेना क्या होता है। मोनोइड की बात करेंगे,
मोनोइड क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी आइडेंटिटी, तो ये मोनोइड हो जाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी आई सी टी जी टी पी जी टी सारे सवालों में, ऐसे मतलब एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे है, ठीक, अवेलियन ग्रुप, अवेलियन ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं। ठीक, अवेलियन ग्रुप की देखो क्या, सीधे सीधे इसकी थ्योरम्स होती हैं, सीधे सीधे रटनी होती हैं। कोई भी ग्रुप, अगर कोई जी एक सेट है और वो ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस या मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, तो उसके लिए जी अवेलियन कब कहलाएगा, जब साथ ही साथ ग्रुप तो है जी सेट और वो कम्यूटेटिव भी हो। कम्यूटेटिव की कौन सी कंडीशन होती है, कम्यूटेटिव के लिए होता है ए ऑपरेशन बी, मतलब ए के साथ बी का साथ ऑपरेशन किया और बी को ए के साथ ऑपरेटिव किएंगे तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव होता है। ए और बी जो है वो जी वाले ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नीचे, फाइनेट और इनफाइनेट ग्रुप में, फाइनेट ग्रुप और इनफाइनेट ग्रुप, तो जी इज कंटेन, जी क्या है बता चुका हूँ मैं, सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट है, इसको ग्रुप बोलते हैं। किसी फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसमें है तो वो फाइनेट ग्रुप कहलाता है। अगर जी कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है और वो एलिमेंट इनफाइनेट हैं तो वो इनफाइनेट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए फाइनेट ग्रुप, जी इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब कोई जी सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है, अगर वो ग्रुप है फाइनेट है और नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स कितने फाइनेट हैं तो उसका ग्रुप जो ऑर्डर होगा ग्रुप का वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा वो ग्रुप, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक तो स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, ई मजली वाली ब्रैकेट लगा के ई लगाएंगे तो वो होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्रुप। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वन होती है और एडिशन आइडेंटिटी जीरो होती है। ठीक है, अब मैं इसमें दो क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, द सेट ऑफ nth रूट यूनिटी फाइनेट अवेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई nth रूट यूनिटी है फाइनेट अवेलियन ग्रुप है, अवेलियन कौन सा होता है, इसमें कम्यूटेटिव भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो अवेलियन होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन, ये है कि सेट जी, जी एक सेट है जिसमें जी क्या है, जी सेट दिया है इसमें वन माइनस वन आई माइनस आई, ठीक, इज अवेलियन होगा, ये अवेलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये दो चेक करें, कर लें, थैंक यू, बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर कर लें, ठीक है, लाइक कर दें।